अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो विंटर कुर्ती का हॉल वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ वूलन कुर्ती का वीडियो शेयर करूंगी। मैंने मीशो में वूलन कुर्ती विद प्लाजो देख रखा था। मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर में और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में वूलन कुर्ती देखा था, बट गाइज मैंने बस दो ही कुर्ती बाय किया है। और मीशो में आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन विद कलर में आपको कुर्तीज वूलन कुर्तीज मिल जाते हैं, बट मैंने जो ये दो कुर्ती बाय किया है गाइज मीशो से, वो आप सभी को भी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ज्यादा डिफरेंट कुर्ती है और बहुत ज्यादा डिफरेंट डिजाइन में ये कुर्तीज है गाइज, जो मैंने दो कुर्ती बाय किया है मीशो से। मैं जो भी प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगी गाइज, मैं उनका कोड डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। मीशो के गाइज लिंक नहीं होते हैं, जो भी होते हैं उनके कोड होते हैं, और मैं वो कोड डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने भी मीशो में साइन अप नहीं किया है गाइज, तो आप लोग जल्दी से जाके साइन अप करें। सबसे अच्छी बात यह है कि मीशो एक रीसेलिंग ऐप है गाइज, और आप इससे प्रोडक्ट को सेल करके ये पैसे कमा सकते हो। तो चलते हैं गाइज, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला जो कुर्ती है गाइज, वो है वॉलेट कलर में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको रेड कलर के फ्लावर्स भी दिख रहे होंगे, ये रबर पेंट से फ्लावर्स बने हुए हैं गाइज। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे कि रबर पेंट तो वन या टू वॉश में निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज। एक्चुअली होता है क्या है कि अगर आपके रबर पेंट जो होता है वो अगर आपके कॉटन के कपड़े में होते हैं गाइज, तो वो वन या टू वॉश में निकल जाते हैं। लेकिन ये वूलन कुर्ती है गाइज, और वूलन कुर्ती पे अगर रबर पेंट होता है तो वो वन या टू इयर्स तक होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे वूलन कुर्तीज हैं जिसपे रबर पेंट के फ्लावर्स बने हुए हैं। सो आप देख सकते हो, इसके साथ आपको एक बटन भी मिलता है, शो बटन, और कलर भी इसकी काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको कॉलर मिल जाती है, और कॉलर पे ये रबर पेंट नहीं है गाइज, ये आपको ऊन का डिजाइन है, मतलब वूलन का जो है वो डिजाइन है। और ब्लैक कलर से इसका जो प्रिंट है गाइज, वो ब्लैक कलर से भी किया हुआ है, जो रबर पेंट नहीं है। लेकिन ये रेड वाला फ्लावर्स जो बना हुआ है गाइज, वो रबर पेंट से किया हुआ है। सो आप देख सकते हो ये इसका फुल डिजाइन, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और ये साइड में कट है गाइज, यू नो जैसे कुर्तीज में होते हैं। और इसकी स्लीव्स जो हैं वो इस तरीके के हैं, और यहाँ पे भी आपको एम्ब्रॉयडरी सा काम मिल जाता है, यू नो काफी यूनिक सा है। और मटेरियल भी इसकी काफी अच्छी है, काफी सॉफ्ट है। और इसकी फ्रंट की लुक कुछ ऐसी आपको दिखती है, और इसकी बैक की जो लुक है गाइज वो कुछ इस टाइप की है, कुछ बिल्कुल सिंपल सा है इसके बैक में, लेकिन इसका फ्रंट जो है गाइज वो काफी अच्छा है और काफी यूनिक सा लुक क्रिएट करता है, ये देख सकते हो आप। और क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है गाइज कि सॉफ्ट मटेरियल है। और तो इसकी प्राइस की बात करें गाइज, तो इसकी प्राइस जो है वो 450 रुपीज है, काफी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है इस टाइप की कुर्ती। सो अगर आप लोग भी इस टाइप की कुर्तीज बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो इसका बॉटम जो है गाइज, वो एक प्लाजो है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक प्लाजो है गाइज। और इसपे इस वाले कुर्ती पे आपको रेड या ब्लैक दोनों में ही कोई भी कलर चल सकते हैं, वॉलेट भी चल सकते थे, सो मैंने ब्लैक चूज किया। और ये देख सकते हो आप, ये इसके प्लाजो हैं, काफी सिंपल है लेकिन काफी डार्क ब्लैक कलर में है, काफी स्ट्रेचेबल है, आप देख सकते हो। और इसके नीचे में जो है वो गाइस, वो इन्होंने वूलन से ही कुछ डिजाइन किया हुआ है, तो अगर देख सकते हो आप, क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है गाइस, काफी अच्छी लुक क्रिएट हो जाती है कुर्ती विद प्लाजो के साथ। सो आप देख सकते हो, काफी यूनिक सा लुक क्रिएट होगा और काफी अच्छा भी लगेगा, सो मैंने इसे चूज किया है। और इसकी प्राइस की बात करें गाइस, तो ये मुझे मिला था 250 रुपीज में, काफी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं आपको, 250 रुपीज में मुझे ये मिला है। नेक्स्ट जो कुर्ती है मेरी वो ये है गाइस, ये आप देख सकते हो, ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आती है ये कुर्ती, और काफी यूनिक सा है गाइस, आप देख सकते हो इसके फ्रंट को,
ब्लैक व्हाइट की कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ गाइस इसकी वूलन जो है वो शाइनिंग वाली इसकी वूलन है, काफी अच्छी है और मटेरियल भी इसकी काफी सॉफ्ट है गाइस। और इसकी स्लीव्स की बात करें गाइस तो इसकी स्लीव्स जो है वो बेल डिजाइन में है, आप देख सकते हो काफी यूनिक सा लुक क्रिएट होता है। और ये एयरलाइन कुर्ती है गाइस, इस टाइप से इसका फोन निकला हुआ है और इसके साथ आपको पॉकेट भी मिल जाता है, आप देख सकते हो। और इसके साथ एक छोटा सा बटन है जो काफी अच्छा सा लुक क्रिएट करता है, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाते हैं और इस टाइप की कुर्तीज हैं। और इसके साइड में कट नहीं है गाइस, बिल्कुल गोल टाइप का एयरलाइन जो कुर्ती होती है उसी टाइप की है ये। और इसकी ये फ्रंट है और ये इसकी बैक है गाइस। कुर्ती काफी अच्छी है, काफी यूनिक है और काफी सॉफ्ट मटेरियल है। और इसकी वूलन जो है गाइस वो शाइनिंग वाली इसकी वूलन है और इसके स्लीव्स की भी लुक काफी अच्छी है। सो ये मुझे मिला था 1500 में, यस गाइस, और ये मुझे काफी पसंद आया। अरे कुर्ती के साथ इसे वेयर करूंगी। इसके बॉटम के लिए मैंने ये वाला लैंगिंग्स ही चूज किया था गाइस, काफी स्टिचेबल है और इस पे कोई डिजाइन नहीं है गाइस, बिल्कुल सिंपल सी लैंगिंग्स है, जैसे लैंगिंग्स होती है उसी टाइप की है और काफी अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी है। प्राइस की बात करें गाइस तो ये मुझे 200 में मिला था और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी है गाइस। और मैं इस लैंगिंग्स को इस वाले कुर्ती के साथ वेयर करूंगी, सो काफी यूनिक सा लुक क्रिएट हो जाएगा गाइस। गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो इस टाइप की कुर्तीज वगैरह बाय करना तो आप लोग मीशो से कर सकते हो, काफी यूनिक सा लुक देता है ये और काफी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है, काफी यूनिक सा लुक देता है और काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है गाइस। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। सो गाइस अगर आप लोग को भी मेरा ये मीशो वूलन कुर्ती हॉल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।